नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 30 जुलाई और सुबह के 9 बज रहे हैं और हम आपके साथ सारे प्लांटों को मिलवाने के लिए ले आए हैं। आज सारे प्लांट्स जो हमारे फूल धूप खिली हुई है तो उसके मज़े ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो देखिए, ये पुदीना, ये सब सारे प्लांट, समी, मीठा नीम, तुलसी माता, ये देखिए बेलपत्र में नई नई पी के फूट रहे हैं बढ़िया अच्छे से। और ये है हमारा हर श्रृंगार, ये भी धूप के मज़े ले रहा है। ये रहा रात रानी, रात को जब इसके फूल खिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, मैं सूंघी थी। आपने ली थी ना? अभी तो इसके फिर से पैक हो गए ना, कल खिले हुए थे, रात को खिल जाते हैं। ये है पान की बेल, इसके भी नए नए पत्ते आ रहे हैं। ये देखिए टमाटर की पौध, अच्छा बड़ी हो गई टमाटर, और तुलसी माता ही बड़ी होगी। तुलसी माता भी बढ़ रही है साथ साथ में। तो ये है टमाटर की पौध, थोड़ी सी हाइट बढ़ी है, रोज नया नया कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं इनमें। इस ये देखिए घास आ गई, इसको निकाल देते हैं। इससे मिलिए छोटू से, हमारे करेले से। ये देखिए इतने दिन बाद आया हो, भिंडी देखो 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 कितना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना आपके हाथ के बराबर। भिंडी की पौध भी अच्छे से लीव्स आ रहे हैं, नए नए लीव्स आ रहे हैं देखो ये अंदर। भिंडी आने वाली है क्या? हाँ नहीं, अभी जिन बार आएगी वही आने वाली लग रहा है हमको। ये भिंडी से है क्या? ये भिंडी आ रही है वही, कल उसी को देख के तो लगा हमको कि ऐसे भिंडी दिख रही है, छोटी सी सेब की दिख रही है। ये देखो ये छोटी सी भिंडी आ गई है, हो सकता है ये हो भिंडी, अभी पक्का नहीं है लेकिन लग रही है। पहले फूल आएगा तो चल, हाँ पहले फूल आएगा। चलिए, और ये छोटे छोटे प्लांट बड़े बड़े प्लांट को देखते हुए आगे बढ़ते हुए कि हमें भी इनके बराबर होना है। तो देखिए मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन मिलता है इनको। इधर देखें तो ये है ग्लोई की बेल, इसका जाने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है क्या पता। और ये यहाँ पे हमने कल लौकी के सीड्स लगा दिए थे तो अभी तो कोई अपडेट नहीं है। चूहों के लिए खाना रखा है, आएं और खाकर जाएं जिससे हमारे पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाएं। और ये लहसुन है ना, ये अच्छे से हाइट पकड़ रहा है, बहुत ऐसे सीधे ऐसे नहीं, सीधे सीधे निकलते, सीधे सीधे निकलते हैं। और ये है बीन्स, इसकी भी हाइट बढ़ रही है। ये किस हाँ जैसे चल रहा है उसमें लीफ माइनर आ गया बेटा इसमें। ये देखो पापा पानी डाल रहे हैं, देखिए पानी डाल रहा है इन्हें क्योंकि कल रात कल थोड़ी हल्की हल्की ज़्यादा बारिश हुई नहीं है ना, तो अब इनको थोड़ी पानी की ज़रूरत है, सीड ग्रोइंग की ज़रूरत है। हाँ सीड ग्रोइंग, ये ना जब फिर रात को आए थे ये सब लटक गए थे, सो रहे थे। सोते हैं ना वो, इस अपन सोते हैं ना वैसे प्लांट भी सोते हैं, ये झुक जाते हैं कुछ लोग, ऊपर कुछ की पत्तियाँ लीफ ऊपर हो जाती हैं। ये देखो आप, ये है गिल्की, इसमें देखिए आप कितना चेंज आया है कल से आज में, चढ़ रहा हुआ है वो, बांध लिया। ये देखिए बांध लिया इसने, पापा ने कल रात को ना इसको इधर कर दिया ना इसके से बांध लिया। हाँ ये देखिए इसने भी कर लिया, और देखो तो ये इसकी कल जब हम आए थे तब इसकी ये यहाँ तक थी, तो इसने इतनी ग्रोथ करी है रात भर में, बहुत जल्दी आ रही है। और ये है गवार फली, इसमें भी नई पत्ती आ गई है, दो शुरुआती दो पत्तियाँ। हाँ और ये है बरबटी की, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो ये रहा आज का अपडेट। तो आप देख सकते हो कि ये लहसुन आ गया है लेकिन काफी जगह खाली है। हाँ इसमें एक्चुअली क्या है कि सारे जो क्लोब्स लगाए थे वो सारे नहीं हो गए हैं, तो जो जगह खाली है वहाँ पर हम नए क्लोब्स लगा देते हैं ताकि ये स्पेस भर जाए और हमको ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ मिल सके यूज करने के लिए। तो यहाँ पर हल्का हल्का खोद के अपन फिर से ये लगा हुआ है लेकिन ये आया नहीं है। हाँ ये
एक ही लगा हुआ था लेकिन आया नहीं है। ये देखिए ऐसे लग गया। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि ये जो है नीचे रहे, जहाँ से इसमें रूट्स आती हैं, और ये इसका जो पतला वाला सिरा रहता है ये ऊपर रहे। ये क्या है, सारी जगह अपनी खा जाएगी। बहुत सारी जगह क्या थी कि खाली छूट गई थी, लगे हुए थे लेकिन वो ग्रो नहीं करे। नहीं, इस तरह से हमने ये इसमें जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा था कि थोड़ा सा, अभी ये यहाँ भी लग सकता है। लगा दीजिए यहाँ है क्या है? देखिए चूहों के लिए रखे हैं लड्डू, तो ये जितने भी जगह हैं सब जगह हम लगा देंगे, क्योंकि बिल्कुल जगह कोई मतलब नहीं वेस्टेज करने से। थोड़ी सी जगह पर वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि पत्ते लेना है कुछ तो ज़्यादा वो है ही। यहाँ पर लहसुन की कलियाँ लगा दी हैं, अब इसको हल्का सा पानी देंगे। देखिए पानी दे रहा है राघव जी, और बस बस काफ़ी है, हल्का इसे देना पड़ता है। तो आज हमें नए लहसुन लगा दिए हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।